हमारे स्कूल में टीचर्स की कमी पहले से ही है और अगर ये चले गए तो हम कैसे पढ़ेंगे। हमारे स्कूल में टीचर्स की कमी तो पहले से ही है, ऊपर से ये जो नई पॉलिसी आई है उसके तहत सभी टीचर्स का ट्रांसफर हो रहा है। हमारे स्कूल में टीचर्स की कमी पहले से ही है और अगर ये चले गए तो हम कैसे पढ़ेंगे, और वैसे भी आधा साल चला गया तो कोई और स्कूल हमें एडमिशन भी नहीं देगा, इससे हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। क्या हाँ, हमारे टीचर्स का तबादला नहीं होना चाहिए। हमारे स्कूल में टीचर्स की कमी तो पहले से ही है, ऊपर से ये जो नई पॉलिसी आई है उसके तहत सभी टीचर्स का ट्रांसफर हो रहा है तो ये सही नहीं है। हमारे स्कूल में पहले टीचर्स की कमी है जिससे हमारी पढ़ाई बिल्कुल भी सही नहीं हो रही है, और वैसे भी हम 10th क्लास में और बोर्ड की क्लास है तो हमारी पढ़ाई आगे कैसे जारी होगी। कर रहे हो आप? हमारे गांव में जी टीचरों की संख्या पहले से ही कम है, कई पोस्ट खाली पड़ी हैं, और आज हमारा ये रोष प्रदर्शन इसलिए है कि सरकार ने जो नई पॉलिसी ला रहे हैं इसमें कह रहे हैं जो लेक्चरर की पोस्ट है ये खत्म होगी, तो दोनों स्कूलों से हमारे गांव से लगभग 12 पोस्ट खत्म हो जाएगी। तो पहले से संख्या कम है और सरकार या तो पहले जो हमारे टीचर हैं इनकी पूरी या पोस्ट भरे फिर इसके बाद में तबादला करे फिर तो ठीक है। अब ये नई पोस्ट जो खत्म हो रही है इसके बाद नई पोस्ट की कोई गारंटी नहीं है भाई, तो टीचर आए या नहीं आए। दोनों स्कूलों में 5-8 टीचर पहले से कम है तो उसकी जगह गाँव वालों ने पहले से ही टीचर रख रखे हैं, तो इतने टीचर गांव फिर रखने का नहीं। तो हमारा तो ये धरना प्रदर्शन लंबा चलेगा जी, जब तक हमारे गांव में टीचर आएंगे नहीं हम यहां से नहीं उठेंगे, हमारा यही मुद्दा है। प्रदर्शन काफी लंबा भी चल सकता है जब तक हमारे बच्चों के लिए जो पोस्टें खाली है वो पोस्टें भरी नहीं जाएगी, और आगे जो तबादला कर रहे हैं वो सरकार की गलत पॉलिसी है। बिल्कुल तो ये करते हैं जी, या तो यहाँ की पोस्ट डे भरो पहले फिर इनका, अगर कोई सरकार की पॉलिसी है सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में भेजना चाहती है तो उसको भेजो, पर जहाँ हमारा है वरिष्ठ कन्या विद्यालय है वहाँ 10वीं तक की पोस्ट डे पूरी हुई थी, दोनों स्कूल आई है, और हमने तो मांग सरकार से काफ़ी बारी की है भाई इनको प्लस टू का होना चाहिए, और इनकी अगर पोस्ट डे खाली हो जाएगी तो ये स्कूल हमारे मिडिल होने की भी तकार पर आ जाएंगे, इसलिए हाँ, और प्लस टू तक के लिए नॉमन पूरे हैं, बच्चे पूरे हैं, ये अटैच तो करिए तो ये गलत है ना, क्योंकि जो हाई स्कूल है वो तो फिर उनके अंदर बच्चे नहीं रहेंगे तो वो तो मिडल हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी। स्कूल है दोनों बॉय और गर्ल, दो पोस्ट बॉय स्कूल के और 5 गर्ल स्कूल के, जो कि ये पोस्ट खत्म करने जा रहे हैं इससे दोनों स्कूलों का बड़ा नुकसान है, तो हमारे जो नॉर्म है पूरे है, इस करके हमारी हरियाणा सरकार से ये मांग है कि स्कूल को प्लस टू का किया जाए, जो कि इसके नॉर्म पूरे कागज पूरे है और डायरेक्टर के पास चंडीगढ़ हमारे कागज सबमिट है। क्या लड़ेंगे इसके लिए? बिल्कुल, अगर ये लड़ाई लड़ने पर गांव पूरा एकजुट है जी और पूरा रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, गांव में पूरा रोष है कि गांव के अंदर मतलब साथ में ठरवा ठरवी के बच्चे भी आते हैं सर, और यहाँ डाड़ियों के बच्चे भी आते हैं, जो कि पूरा गांव एकजुट होकर रोष प्रदर्शन करेगा, पूरा रोष है गांव में, तो इसका हमारी हरियाणा सरकार पूरे प्रशासन से ये मांग है कि जल्द से जल्द इसकी संज्ञान लिया जाए।